सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर दंगल शुरू हो गया है। कांग्रेस भाजपा अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गई हैं। तो वहीं अब आप पार्टी भी इस घमासान में कूदने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पार्टी विधानसभा की 224 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सुनिए इस मामले पर पार्टी ने क्या जानकारी दी है। है कि पिछले महीने हम लोगों ने यहाँ की टीम से बात की थी। यहाँ की टीम ने काफी मेहनत की थी और उन्होंने ये कहा था कि वो यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं आने वाले विधानसभा में, और हमने कहा था कि हम इसके ऊपर अब चर्चा करेंगे, डिटेल में सर्वे करेंगे और उसके बाद अपने निर्णय के साथ आपके सामने वापस आएंगे, कर्नाटक की जनता के सामने वापस आएंगे। हमने जो भी यहाँ पे देखा, अपना इंडिपेंडेंट सर्वे करवाया, उससे हमें ये पता चला कि कर्नाटक की जनता इस समय विभिन्न कारणों से, जिसमें किसानों की बुरी हालत है, जॉब्स का बुरा हाल है, बैंगलोर की सिटी में जब हमने लोगों से बात की तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बुरी तरह से परेशान थे, कई सारी चीजें हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब जगह से हमने देखा कि बहुत परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में, दिल्ली में जो काम हो रहा है उसके बारे में हमसे बात की और अपनी खुशी जताई, उसको देखकर वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, वी डिसाइडेड दैट इट इज द राइट टाइम, पीपल ऑफ कर्नाटक आर लुकिंग फॉर अ चेंज एंड दे आर सीइंग दैट इफ वी कैन गिव देम अ राइट अल्टरनेटिव, क्रेडिबल अल्टरनेटिव, देन दे वांट अस हियर। बताते चले आपको कि आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी का विस्तार करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बीते साल उन्होंने गोवा, पंजाब और गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन तीनों ही राज्यों में पार्टी की जमकर फजीहत हुई थी। लेकिन केजरीवाल अपनी हार से बिल्कुल नहीं हारे हैं और अब वो कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।